वेलकम बैक टू माय चैनल सब कैसे हैं इंशाल्लाह सब ठीक होंगे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो आज की जो वीडियो है वो है जी सेल्फ कटिंग यानी कि मैं आपको सेल्फ कटिंग करना सिखाऊंगी घर में अगर आप कटिंग करना चाहती हैं तो किस तरह कर सकती हैं जी एक तो मैं आपको स्टेप कटिंग करना सिखाऊंगी कि स्टेप कटिंग आपने किस तरह करनी है और दूसरी कटिंग जो होगी वो होगी जी फ्रंट से फ्रंट से आपने कटिंग किस तरह करनी है यानी कि अगर घर में आप कटिंग जो है फ्रंट से करना चाहें वो कैसे कर सकती हैं और अगर स्टेप कटिंग करना चाहती हैं तो वो कैसे कर सकते जी सबसे पहले हम जो है फ्रंट जो है स्टेप कटिंग कर करेंगे स्टेप कटिंग कर करने के लिए हमें क्या करना है जी बैक से हमने सारे बाल जो है ना वो लेने और उनको फ्रंट पे लेके आना है यानी कि बैक से हमने सारे बाल लिए उसके बाद अच्छी तरह हम इसको जो है ना कॉम कर लेंगे कंगी कर लेंगे बालों को ये जी, जी मैं अच्छी तरह इनको कॉम कर रही हूँ पहले स्टेप कटिंग जो है वो इतनी इजी है ये जो अगर आप इस तरह करेंगी तो इतने आराम से जी आपकी स्टेप कटिंग हो जाएगी आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी स्टेप कटिंग है, जो है स्टेप कटिंग जो है इतनी इजी इसका मेथड है आपने सिर्फ क्या करना है बैक से अपने सारे बालों को लेना है और फ्रंट पे उनको लेके आना है उसके बाद अच्छी तरह कंगी करनी है कंगी करने के बाद ये जी अच्छी तरह जब आपके बाल जो है वो कॉम हो जाए उसके बाद जी आपने क्या करना है पोनी बना लेनी है जिस तरह मैं पोनी बना रही हूँ इसी तरह ही आपने पोनी बनानी है ये देखें जी, जी मैं पोनी बना रही हूँ जी बैक से सारे हमने बाल लेने हैं और उनको कहना है फ्रंट पे और अच्छी तरह हमने उसको काम करना है काम करने के बाद जी हमने पोनी बनानी है और पोनी बनाने के बाद अच्छी तरह हमने कंगी फिर दोबारा से करके और इनको स्लो सिर्फ आराम से हमने पोनी को खींचना है और जितनी हमने कटिंग करनी है जितनी लेंथ आप कटिंग करना चाहती हैं तो वो अपनी मर्जी से आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बालों की लेंथ कितनी रखनी है ये जी मैं इतनी जो है लेंथ रखूँगी और जो कटिंग कर दूँगी ये देखिए जी आपने सीज़र लेना है और इनको सिंपल सिर्फ कट कर देना है आप जी अपने बाल जो है कम भी ले सकती हैं ज़्यादा भी ले सकती हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने बालों की कितनी कटिंग करनी है आप जितनी मर्ज़ी आप कटिंग कर सकती हैं और इतनी अच्छी से कटिंग होगी बहुत ही अच्छे जो है ना इससे जो है आपके स्टेप कटिंग हो जाएगी ईज़ी मेथड है घर में ईज़ीली आप आराम से इसको कर सकते हो जी जितने भी आ, बाल थे जो जितनी मैंने कटिंग करनी थी वो मैंने कट की है उसके बाद अब हमने इसको बालों को जो है अपने पिच बैक पे ले जाना बैक पे ले जाके अच्छी तरह हमने इसको काम करना है और ये जी हमारी स्टेप कटिंग जो है हो चुकी है और ये आप देख सकती हैं ये जी हमारी स्टेप कटिंग होगी जी स्टेप कटिंग है जी हमारी हो चुकी इतना इजी स्टेप था सिर्फ़ आपने अच्छी तरह बालों को कॉम करके फ्रंट पे उन बालों को लेके आना है फिर उनको अच्छी तरह आपने कॉम करना है पोनी बनानी है और आपने जितने बाल आपने कट करने होते हैं आपने कट कर लेने और स्टेप कटिंग हो जाएगी आप अपनी बेटियों को भी कर सकती हैं अपनी कटिंग भी खुद कर सकती हैं बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो आप जो है कट जो है बालों का आएगा और बालियों में वॉल्यूम भी आएगा और आपके जो बाल हैं वो भी खूबसूरत लगेंगे स्टेप कटिंग जो है हमारी है हो चुकी है जैसे किस तरह हमने स्टेप करनी कटिंग की इतना इजी मेथड था जो आपको बताया और फ्रंट से जो हम कटिंग करेंगे ये भी बहुत इजी मेथड है फ्रंट से कटिंग कटिंग करना यानी कि आप घर में खुद अगर फ्रंट से कटिंग करना चाहती हैं तो वो इजीली कर सकती हैं उसके लिए आपने क्या करना है पहले जी अपने बालों को आपने बैक पर अच्छी तरह कॉम करना है जिस तरह मैं करी हूं, इसी तरह आपने करना है उसके बाद जी आपने बिल्कुल स्टेट जो है ना मांग निकाल लेनी है ये जी स्ट्रेट आपने माँग निकालनी तो उसके बाद अच्छी तरह हमने इसको कंगी कर लेना है और जी अब जितने फ्रंट से हमने बाल लेने हैं वो हम लेने लेंगे ये जी फ्रंट से मैं बाल ले रही हूँ क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट की कटिंग करनी है पहले स्टेप की स्टेप कटिंग की थी उसके बाद जी अब हम फ्रंट से कटिंग करेंगे कि फ्रंट से हमने कटिंग किस तरह करी है वो मैं आपको बता रही हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगी तो फ्रंट से कटिंग करना जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा और दोनों साइड से हमने बराबर जो है ना वो बाल लेने हैं ये दें और आप कितनी कटिंग करना चाहती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं आप नोज तक कटिंग कर सकती हैं आप जो है गर्दन तक कटिंग कर सकती हैं ये आप डिपेंड करता है ये देखें इस तरह मैं अपने बालों को पहले लिया फ्रंट से उसके बाद ये अभी यदि कट कर रही हूँ और ये फ्रेंड्स से जब हम कटिंग करते हैं तो उससे क्या था बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है और ख़ूबसूरत भी लगते हैं फ्रेंड्स से अगर जब कटिंग हम करवा करते हैं तो सैलून आपको पता है जब सैलून हम जाते हैं तो कटिंग करवाने के इतने हमें पैसे देने पड़ते हैं परचेज़ करने पड़ते हैं उससे अच्छा है ये कि अगर आपको सेल्फ़ कटिंग करना घर में खुद आ जाए तो ईज़ी ईजी हो जाता है आपके लिए और कुछ खवतन जो है वो पसंद नहीं करती सैलून जाना तो वो कहती हैं कि कोशिश वो करती हैं कि घर में अगर उनको आ जाए तो ईज़ीली कर सकती हैं तो सब खातन के लिए ये है वीडियो जिस मैं आपको सेल्फ कटिंग करना सिखा रही हूँ जो कि फ्रंट से है पहले जी मैंने मांग निकाली उसके बाद कटिंग उनकी की और उसके बाद अब जी मैं इन्हीं ही वो ही बाल जो है मैंने ऊपर की साइड पे लेके गई हूँ और सिर्फ हमने अब ट्रिमिंग करनी है कटिंग नहीं करनी कटिंग तो हम कर चुके हैं ना सिर्फ हमने ट्रिमिंग करनी है उसके बाद हमने जो है इनको लेफ़्ट लेके जाना है और उसके बाद हमने इनको कट कर देना है बालों को ट्रिमिंग करनी है यानी कि जी थोड़े से बाल लेके उसके बाद जी हमने राइट पे बालों को लेके जाना है ये जी राइट पे बालों को लेके गए और उसके बाद इनको फिर कट किया कैमरा जो है वो मेरा जो है ना तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन उसके लिए प्लीज़ माजरत के जी वीडियो जिस तरह मुझे बनानी चाहिए थी वैसे नहीं बन सकी लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको जो है कटिंग करना सिखा दूं कि किस तरह सेल्फ कटिंग आप कर सकते हैं ये देखें जी, कितनी अच्छा एक वॉल्यूम भी बालों में आ गया और कट भी बहुत खूबसूरत हो गया इसी तरह जी आप घर में खुद जो है फ्रंट कटिंग भी कर सकती हैं और इसके अलावा जी आप स्टेप कटिंग जो है वो भी आप घर में खुद कर सकती हैं जी आज की वीडियो थी कटिंग पे कि आप किस तरह अपने घर में अगर आप करना चाहें कर सकती हैं सैलोन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी बचत भी हो जाएगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए आपने इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआ में याद रखना है इन एक नई वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी जब तक के लिए खुदाफिज़